गिर नस्ल का एक और उम्दा सांड, तकरीबन 3.5 साल की परी। गिर नस्ल में जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी चुनौती हरियाणा प्रदेश के जो गोपालक हैं, जो कहते हैं कि लंबा सफ़र तय करके और गुजरात से इस गिर नस्ल को यहाँ पर लाए हैं, और ये देखें गिर जो नस्ल है वो प्रेगनेंसी में काफ़ी चुनौतियाँ आती। बस गिर नस्ल में जो सबसे ज़्यादा चुनौती यहाँ पर उत्तरी भारत में जो हमें देखने को मिलती है कि गर्भाशय काफ़ी डीप में होने की वजह से वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को काफ़ी कम रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक जो गर्भाधान है उसी में उसका जो गर्भाधान है वो हो पाता है। तो ये देखें एक बार फिर युवा साथी हैं जो नरेला से आए हैं और उन्हीं के फादर साहब और प्रोफेसर कुलदीप, गाँव है इसराणा, जिला है महेंद्रगढ़। तो यहाँ पर एक गिर नस्ल का जो उम्दा सांड है वो बैकग्राउंड में देख सकते हैं, लेकिन उनसे पहले इन साथी का एक बार फिर अभी एक आप बछड़ा लेकर के गए। जी नमस्कार। अभी आप एक बछड़ा लेकर के गए साहिवाल का, और अभी फिर आपने एक गिर नस्ल के सांड की आपने फिर डिमांड की, तो वो क्यों मैं जानना चाहूंगा। सर हमारे पास 6 गिर गौ माता हैं। अच्छा। उनमें हमने कई बार एआई से उनको गर्भाधान कराने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन वो उसको मानती नहीं है टिक्के अच्छा, को। अच्छा। तो इसलिए हमें सांड की जरूरत। कब वो ब्याई थी और कितना दिन हो चुके हैं? तकरीबन 11 हुए। एक गाय हमारी 13 जनवरी को ब्याई थी। अच्छा। वो अभी तक 11 नहीं हुई। अच्छा। उसको हमने 4-5 बार एआई करवाया। एक गाय हमारी 26 जनवरी को ब्याई। अच्छा। वो आज तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई टीके। अच्छा, से। अच्छा। तो इसलिए हमें अच्छा एक सांड की जरूरत महसूस हुई। तो ये देखें वेल सर्विस वाला जो सांड है, जो रेडी टू सर्विस है, वो सांड यहाँ पर फिर एक बार चयनित करके लेकर गए हैं। तो आपने जो इसकी माँ को देखा और बुल के जो कैरेक्टर्स देखे जी, और कीमत जो देखी जी, तीनों चीज आपको जायज लगी? बिल्कुल जायज। इसकी माँ को भी हमने देखा जी, इसकी माँ में भी सारे गिर के कैरेक्टर्स जी 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 बिल्कुल अच्छे से थे जी, और हमें बुल भी काफी अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी तो आपने बताया कि वहाँ पर जब है नरेला में है तो दूध गिर का जो दूध है वो स्पेशली आपके फार्म से किस रुपए पर लोग खरीदते हैं? हमारे पास से गिर का दूध 135 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। 135 रुपए प्रति लीटर जी दूध जी। एक बार वो जो आपके पास फोन में जो क्लिप है जी वो जरूर दिखाएं। ये सारी चीजें आपको काल्पनिक लगेंगी कि 135 रुपए प्रति लीटर। बाबू जी हाँ जी, 135 रुपए प्रति लीटर। 135 रुपए देते हैं जी। 135 रुपए लोग खुश होकर लेते भी हैं। अच्छा, तो MTNL से रिटायर्ड हैं आप, लेकिन आपने बताया कि आपका प्रॉपर्टी डीलिंग में काफी अच्छा रसूख लोगों के साथ रहा, तो वही लोग हैं जो आज आप पर विश्वास करके दूध ले रहे हैं। जी 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 जी। तो इनके पास एक स्लिप है, पावती है, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर इनसे एक महीने का, तकरीबन आप अपनी जबानी बताएं, 30,000 के आसपास उनका दूध बैठ जाता है एक महीने का जी। एक कस्टमर जी तकरीबन कितना लीटर दूध लेते हैं? वो 7.5 लीटर 7.5 लीटर पर डे का दूध लेते हैं, और एक कस्टमर इनको 30,000 रुपए जो है वो दूध की राशि देते हैं। तो ये देखें एक बार फिर हमारे समाज को। तो प्रोफेसर साहब जी, सर एक तरफ 135 रुपए लीटर ले रहे हैं सर, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 35 रुपए मात्र लीटर नहीं ले सर, रहे हैं। एक तो सर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने यहाँ सर गाय और भैंस सब अपना गाय रखते हैं, सबके पास देना तो है, घर का देना। एक तो मांग है ना सर वो कम है, जरूरत के हिसाब से सर थोड़ा सा फर्क है। प्रोफेसर यहाँ सारे छोटे खेतीहार लोग रहते हैं, उनकी परचेजिंग पावर इतनी है नहीं, इतनी है नहीं जी जी। और जबकि बड़े शहरों में जो प्रॉपर्टी डीलिंग के जो रसूख में है वो तो धनाढ्य आदमी है, धनाढ्य आदमी वहाँ सर, देश के जी हर तरह का जो युवा वर्ग है ज्यादा पैसे वाला सब वो कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, तो ये देखें ये जो सांड है अपनी गिर गोधन के लिए इन्होंने चयनित किया है। तो अंत में किसी चीज को हम बात करें कि आपने वो लिया है तो सार्थकता उसकी जब तक नहीं रहती जब तक उसकी कीमत आप समाज को न बताएं। तो सांड आपने बड़ी जायज कीमत पर दिया, भरा पूरा सांड है, व्यस्क सांड है। तो बचपन में आपने जो बताया कि पहले साहिवाल और गिर जी नस्ल पे काम करने की आपकी एक मेरे मन में थी योजना, साहिवाल और गिर पे काम करने की। तो ये गिर गाय मैं लाया था सर। अच्छा। तो बहुत अच्छे दूध की, और गुजरात के इसके बारे में पता चला था सर, इसकी इस जो गाय है इसकी माँ का 28 लीटर दूध था। अच्छा। जो ये लाए थे बछड़ी वो ऐसा बता रहे थे। हाँ। तो इसने भी सर पहली बार में 15-16 लीटर दूध आराम से दिया था। हाँ। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हो गई थी। वैसे अपने इस एरिया में सर गिर गाय
को संभाल पाना एक थोड़ा मुश्किल काम है। अच्छा अच्छा, जो भी साथी गिर गाय लाए हैं तो वो थोड़ा सा उसको उस तरह से सफल नहीं हो पाए, इसमें कारण चाहे भौगोलिक कुछ भी हो सर, मुझे इसमें ज्यादा पता भी नहीं है। जी जी, पर उसके बाद फिर मैं थार की तरफ चला गया। अच्छा अच्छा, तो आपने एक गिर ब्रीड को हटा करके ये थार, तो ये देखें इनके पास जो है साहिवाल और मुख्यतः थार नस्ल है, थार। ठीक है जी, इसमें सर एक छोटी सी बात और बताना जी चाहूंगा मैं। हमारे दूध के जो 135 140 के जो रेट हैं, इसके लिए हमारी गाय की जो डाइट है वो हम अलग प्रकार से देते हैं, जैसे कि उसमें हम 6-7 तरह की तो खली डालते हैं, जैसे उसमें बादाम, अखरोट, नारियल, अच्छा, और तिल, बिनोला, सरसों, पीली सरसों, अच्छा, 6-7 प्रकार की तो खड़ी हो गई। अच्छा, इसके अलावा हम 5-6 तरह की जड़ी बूटियां डालते हैं, जैसे कि अशोकंदा, सतावर, ब्राह्मी, जीवंती, नीम, अच्छा, गिलोय, ये सारी हम रेगुलर पर डे के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे देते हैं हम गायों। अच्छा, तो आपके इसलिए हमारे, और आपने बताया कि आपके कस्टमर्स ने जिन्होंने दूध पिया उनको रिजल्ट अच्छा मिला जी, सेहत में जो चुनौतियां थी कुछ कम हुई है उनकी। एक हमारे जानने वाले बंदे हैं, वो तहसीलदार हैं, तो उनकी वाइफ को पिछले 15-20 साल से माइग्रेन की शिकायत थी जी। तो उन्होंने हमारी गिर गाय का घी लिया, तो वो दोनों नाखों में 2-2 बूंद डाल के सोते थे रात को, तो उनको 1-1.5 महीने में ही उसमें 80% रिलीफ मिला। अच्छा, माइग्रेन में जी भाई, बहुत बढ़िया। और डायबिटिक थे हमारे जानने वाले, उनने 3-4 महीने दूध पिया हमारी गाय का, तो उसमें भी वो कह रहे हैं भाई मेरी 300-350 से शुगर घट के 150-160 रहती है। 160 रहती है, तो ये देखें ये साक्षात प्रमाण है। तो गाय की जो महिमा है वो वेदों में शास्त्रों में पूरी तरह से उसका बखान है। तो नर जो है ये देखें, रोब, आँखों के ऊपर जो भारी बोहें जो हैं, और ये देखें गिर के जो ईयर नोक अच्छे बनते हैं, चमकीली और मुलायम चमड़ी इसकी भी है और इसकी माँ की भी हमें देखने को मिली, और अभी आयु काफ़ी कम है, 3.5 साल। तो अंत में कुलदीप साहब कीमत बताए बिना फिर उसकी औचित्य नहीं रह जाता जी, बताएं अंकल जी। जो है ना अंकल जी ने सर कीमत दी है, जो इन्होंने दी है ना सर, वो मैंने ले ली, ठीक है, तो यही बता देंगे अंकल जी। जी अंकल जी, बताएं खुल करके बताएं उसमें कोई। ऐसा है जी, इनको हमने 93,000 दिए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जो जैसा है बिल्कुल सटीक। 1,00,000 रुपए आपने डिमांड किए थे, इसके डिमांड इन्हीं के हिसाब से किए थे, वो तो ठीक है, इसकी जरूरत जैसे मेरे को गिर की नहीं है, तो सर मेरे को एक ने इसके 1.5 लाख की भी कही थी जी जी। पर ये सर कोई बात नहीं है, ठीक है, तो समय की और व्यक्ति की व्यवस्थाओं की अपनी व्यवस्था जी जी जी, समय बलवान होता है। तो आशा करते हैं कि ये जो नंदी है आपके घर आंगन में जाए, आपके फार्म पे जाए, तो काफी अच्छा परिणाम लेकर के। इसकी जो माँ तो आपने देखी सर, वो उसमें जी 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 ऐड कर देंगे। हाँ, और इसका जी फादर साइड सर नूर महल से है, नूर महल KGSG का आपने सीमन लगवाया था, KGSG का लगवाया था, शायद उसका नाम गोविंद था, मुझे वो ध्यान नहीं है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं, उस सीमन स्टोक को वो मिलते नहीं है, हाँ, संभाल नहीं पाए इसलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत तो ये देखें जो गिर नस्ल का जो सांड, इन्होंने जो कुलदीप युवा साथी हैं, प्रोफेसर हैं हमारे, और इनसे जो परचेज किया है उसकी माँ जो है वो यहाँ पर कवर करते हुए, तो ये देखें जो नस्ल की शुद्धता है उसमें आप देखें सींगों की जो बनावट है, कान की जो बनावट है, बिल्कुल उल्टे माथे उल्टे तवे की तरह जो सींग इनका भारी और उभरा हुआ जो सींग होता है, और जिस प्रकार का हम्प बेटे का अच्छा विकसित है उसी प्रकार का इसकी माँ का। आर्डर जो है वो हालांकि थोड़ा सा पेंडुलस जरूर देखने को मिला, लेकिन चारों थन जो हैं वो सुरक्षित हैं। आ जाएं, दो बातें बताएं, कहां से लेकर के आए थे और कितना समय आपने अपने पास रखी? इसकी जो ओरिजिनल तो सर ये गुजरात से आई है। अच्छा, इसको जब ये पहली बार भी आई थी ना तब ये ली थी सर। अच्छा, और इसी के नीचे वो बछड़ा है। अच्छा, तब वो इसके पहली बार का है, अभी चौथी बार भी आई हुई है। अच्छा, और तभी इसने गिर का एक थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब वो ब्याती है ना तो थोड़ा सा गर्म स्वभाव होता है, दो जी, दो जी, तीन जी, तीन दिन हाँ। तो जिनके पास ये थी तो उनको वो अनुकूल नहीं लगी। अच्छा, तो मैं इसको तब लाया था। अच्छा, और उसके बाद फिर ये एक ब्यांत रही मेरे पास। अच्छा, तीसरे ब्यांत मैं इनको दे दी थी। ठीक है, सरपंच साहब है, गाँव कौन सा है इनका? मानपुरा। आ जाए, इधर आ जाए, मानपुरा के सरपंच महोदय हैं और इनके पास अभी इनके घर आंगन में ये गाय है। तो आपने बताया कि उच्चतम जो दूध आपने देखा, सटीक बताएं कितना दूध इसने आपके खुट्टे पर आपके आंगन में दिया?
18 लीटर भी दिया है, 16 लीटर भी दिया है, आज की तारीख में 14 लीटर तैयार है। आज की तारीख में कितने दिन की अभी ब्याई हुई है? ये 2 महीने और कुछ, 2 महीने से ऊपर है। अच्छा, 2 महीने से कुछ ऊपर अभी ये ब्याई हुई है। अच्छा, तो दाने चारे में इसकी क्या करते हैं आप? दाने चारे में इसको ये फीड वगैरह और चूरी वगैरह। फीड कौन सा, बाजारू फीड? हाँ, ये बाजारू फीड ही दे रहे हैं। अच्छा, वो बनी बनाई गिट्टी लेकर के आते हैं या खड़ वड़ और उसको मिक्स करके देते हैं? नहीं, वो बनी बनाई गिट्टी, बनी बनाई गिट्टी लेके आते हैं। ये 2 किला ये जैविक खेती कर रखी है। अच्छा, इसी का हरा चारा देते हैं। अरे भाई, बहुत बढ़िया। तो सुपर नेपियर जो है वो यहाँ पर, ये देखें पीछे जो मिनी स्प्रिंकलर्स जो हैं वो इसमें चलते हुए, और यहाँ पर महेंद्रगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर पाला अत्यधिक पड़ता है वहाँ पर हमें सांगवान के दरख्त देखने को मिले। एक वहाँ पर है और एक वहाँ पर। कितने साल के हो गए हैं ये? 6 साल के हो गए। 6 साल के हो गए। अच्छा, कभी पाले से ये जले नहीं सर्दियों में? सर्दियों में पत्ते तो गिर जाते हैं, बाकी ये जले नहीं। जले नहीं। और एक अभी आपने बताया कि एक अभी ताजा ला करके लगाया है। अच्छा, तो ये जो है ये देखें बीच में जो है ये एक, और तो एक जो जयपुर में रिटायर्ड जो मुलाजिम थे वो जब घूमने गए मध्य प्रदेश और यहाँ पर, तो उनको सांगवान का जो पेड़ है वो काफ़ी प्रभावशाली लगा, उन्होंने अपने पास ला करके लगाए और उनमें से 280 जो भरे पूरे विकसित जो पेड़ हैं वो बचा पाए। 20 साल की उनकी आयु हो चुकी है, वो एक पौधा 1 लाख रुपए का। भाई बहुत बढ़िया। तो 2,80,00,000 के वो मालिक हो चुके हैं, हैं जो कि साहिवाल का बछड़ा लेके गए थे, उन्हीं के फादर साहब यहाँ पर हैं। ठीक है, गाय देखी सरपंच साहब से बात ही, कुछ संतुष्टि हुई या नहीं? जी बिल्कुल, पूरी संतुष्टि हुई और हमें गाय भी बहुत ज्यादा पसंद आई। तो ये मालिक अगर गाय देने के इच्छुक हैं तो ले लेंगे? जी बिल्कुल ले लेंगे। सरपंच साहब मौका पड़ा है तो देख लो, अगर देना चाहो तो। गाय अभी तैयार नहीं है सर। जी जी जी, बिल्कुल कमजोर हो रखी है। अगर ये अभी ज्यादा कमजोर तो नहीं कहेंगे, ठीक है, थोड़ी सी कमजोर हो रखी है सर। हाँ, थोड़ी गुंजाइश है, बाकी बहुत गुंजाइश। लैक्टेटिंग गायें जो है इसी बॉडी वेट में होती है, फिर भी थोड़ा सा फर्क है। तो एक बार जितेंद्र भाई नीचे बैठे और थन पकड़ के दिखाएं गाय का, शांत सावल है या किस तरह से क्या? ये देखें, ये देखें, चारों थन सुरक्षित है, चारों थन में बराबर दूध आता है, बराबर ओके है, कोई थन गटबड़ तो नहीं रहा? नहीं, नहीं। अच्छा, तो 18 लीटर दूध तो बहुत हो जाता है। तो आपने बताया कि आप यहाँ से दूध उपलब्ध कराते हैं, तो कहाँ पर जाता है आपका दूध? रेवाड़ी जाता है। रेवाड़ी जाता है जी। क्या भाव में आप उपलब्ध कराते हो रेवाड़ी वासियों को? रेवाड़ी को 65 रुपए। और पहले आप कितने रेट पर देते थे? पहले तो वहाँ 70-80 भी जाता था। फिर अब कम क्यों हो गया? अब तो फीड का, तूड़े का, हर चीज का दाम बढ़ा है और आप रेट दूध का घटाते ला रहे हैं। वो सिर्फ गिर का दूध मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा, गिर का तो 100 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन गिर हमारे पास। अच्छा, तो आपके पास और भी है, एक राठी नस्ल है वो वहाँ पर है, कबरी राठी, गदरी राठी आप उसे कहेंगे, और एक कपिला जो है वो यहाँ पर। तो कपिला को तो आप देने के इच्छुक है जी? क्या कुछ कीमत आप उसकी मांग रहे हैं? सटीक बताएं ज्यादा? 45,000 रुपए। 45,000 रुपीज। दूध कितना है? दूध 12 लीटर। 12 लीटर है। अच्छा। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये देखें, ये इनकी गौ है, गांव है, गांव है मानपुरा, मानपुरा, और वहां पर जो सरपंच महोदय हैं उनकी ये गाय है, और इन्हीं का जो बछड़ा है वो प्रोफेसर कुलदीप के पास। भाई बहुत बढ़िया। तो देखें, सांगवान के पेड़ हैं, तो कृषि जो मित्र हैं या जो हमारे किसान भोले भाले किसान हैं, उनको मैं ज़रूर एक पुरजोर संदेश देना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि इस तरह के जो वृक्ष हैं वो अपने खेतों की मेंड पर ज़रूर लगाएं, डोड़ों पर ज़रूर लगाएं, ताकि उससे आपको एक अच्छी आमदनी हो सकती है। क्यों डॉक्टर साहब? सर ये बिल्कुल आपकी बात सही। सर ये महेंद्रगढ़ की जो ज़मीन है ना, पहले तो सारा महेंद्रगढ़ अपना रेतीला ही है सर जी, और तो जहाँ हम खड़े हैं ये सर इस इलाके के सबसे ऊंचे टिब्बे हैं जी। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, जो जब जिस समय जमीन की वो हुई थी ना सर, चकबंदी हुई थी उस समय सर इसके बिल्कुल कम रेट थे इस जमीन। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, यानी चौथा हिस्सा जैसे जमीन का रेट होता है ना, एक नंबर की जो जमीन होती है। तो सरपंच साहब क्या कुछ रेट है यहाँ पर जमीन के? वैसे 1 किला तकरीबन, तो फिर भी 40-45 करें, 40-45 लाख हैं 1 एकड़ के। अरे भाई बहुत बढ़िया। कारण? कारण अच्छा, गुड़ के जो लोग थे ना सर, अच्छा वहाँ से जो जमीन बिकी। अच्छा, और सर वो यहाँ पर जो रहन सहन है यहाँ, किसी तरह की
मतलब आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे यहाँ जंगल में गाय कैसे रखते हैं, भैंस कैसे रखते हैं जी, तो कोई भी समस्या यहाँ नहीं होती है। अच्छा, कोई चोरी वोरी होने का कभी कोई भय नहीं? और डॉक्टर साहब इधर आ जाएं, आपने कहा कि जिद्दी प्रवृत्ति के ये जो सरपंच साहब हैं, गाय 20 साल हो गए, सरपंच साहब को 20 साल से भी ज्यादा हो गए सर। अच्छा, पिछले 6-7 साल से मैं इनके पास आ रहा हूँ, इनको जानता पहले भी हूँ। अच्छा, तो मैं इनको कहता हूँ सरपंच साहब अब तो आपको दूध की कीमत भी नहीं मिलती है। तो सरपंच साहब कहते हैं कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमारी उम्र के, अब उनको तो हमें दूध देना ही है। अच्छा, तो चाहे इनको बचत हो या न हो। अच्छा, तो ये मतलब इससे जुड़े हुए। तो ये जो कस्टमर बेस आपका है जो रेवाड़ी में, रेवाड़ी आज एक अच्छा उभरता हुआ महानगर है, तो वहाँ पर कौन लोग दूध पीते हैं देसी गायों का? जो गायों की कीमत समझते हैं, गायों का दूध जो A2 है अपनी देसी गायों का। अच्छा, और इसको जो समझते हैं वो तो इन्हीं का दूध लेते हैं, भैंस का नहीं लेते। अच्छा, HF गाय का है, जर्सी किस तरह के हैं? कोई नौकरी पेशे वाले भी हैं या डॉक्टर वॉक्टर कोई बिजनेसमैन भी हैं, नौकरी वाले भी हैं। अच्छा, और जो गऊ के बारे में जानते हैं, क्योंकि गाय का दूध तो दूध नहीं अमृत है। जी जी, और गौमूत्र भी यूज करते हैं कुछ लोग तो। अच्छा, और आपसे मंगवाते हैं? हाँ, पीछे महामारी में तो गाय का दूध और गाय का गौमूत्र ही बड़ा भारी काम आया है इस पीछे। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस में इसलिए, अब भाई कुछ 50 घरों को तो मैं अच्छा दूध दे रहा हूँ जो जैविक खेती से तैयार करता हूँ। अच्छा, और उनको तो प्योर दूध देता हूँ। तो ये ही फायदा है कि भाई 50 आदमी तो कम से कम स्वस्थ रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिखा आपने रखी है पीछे? हाँ जी जी, उसका कारण मैं जानना चाहूंगा। वो शिखा का तो ये अपने हिंदुओं का एक वो जी प्रतीक है। अच्छा अच्छा, वैसे कोई वीडियो में कोई युवा साथी देख रहे हैं तो उनको क्या आप संकेत देना चाहेंगे? अन्यथा इसको रूढ़िवादीता के साथ ज्यादातर जोड़ करके देखा जाता है कि जो पिछड़े वर्ग हैं या जो बहुत ज्यादा धार्मिक हैं या पुरानी जो रूढ़िवादीता में ज्यादा फंसे हुए हैं वो सिखा रखते हैं। जी सरपंच साहब, कहीं बताएं उनको संदेश दें। जी 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 सर, ये जो हिस्सा है ना, तो ये हिस्सा बड़ा सेंसिटिव है सर। अच्छा, और यहाँ चोट आदि से बचाने के लिए जब हम चरक संहिता या कोई भी आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ दो तरह की बताई सर, या तो आप जटिल हो या मुंडोवा, या तो आप बिल्कुल जटिल रहो यानी बड़ी बड़ी जटाएं रखो, या बिल्कुल शरीर को सिर को गंजा रखो। अच्छा, और जो शरीर को सिर को गंजा रखते हैं ना सर, वो फिर यहाँ शिखा रखें। अच्छा, और उसमें जो गौ के बछड़े का खुर होता है ना, उतनी चौड़ी शिखा होनी चाहिए। अच्छा, उससे फिर वो इस हिस्से को बचा सकती है। कुछ नाड़ियों का भी ये केंद्र होता है। बिल्कुल, नाड़ियों का केंद्र होता है सर जी, और इसीलिए जो बड़े बाल रखते हैं फिर उनके तो सर वो पूरा एक शिखा हो ही जाती है, उनको आवश्यकता नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, वो जो बाहर इतनी श्रेष्ठ जो गऊ है उसका बछड़ा कौन सा है सरपंच साहब इनमें से? यही है। कौन सा? ये 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 बछड़ा है। तो सीमन आपने जो करवाया था कौन सी नस्ल का, कौन से डॉक्टर से करवाया था? सर ये सरपंच साहब ने या तो हरियाणा या साहिवाल नस्ल का सीमन रखा है। तो डॉक्टर जो सीमन करने आया क्या उनमें इतनी स्वयं विवेक नहीं है कि नस्ल की शुद्धता इतनी अच्छी है गऊ में, तो किस तरह का सीमन में उसमें करना? आप ये बछड़ा देखें। बिल्कुल सर, अगर डॉक्टर तो अगर चाहे ना सर, तो जो आप जैसे साथी इतनी मेहनत कर रहे हैं ना सर, जी जी, वो तो घर घर सीमन लगाते हैं सर। हम तो घर घर नहीं पहुंच सकते, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप खुद अपने स्वयं विवेक से बताएं कि ये नस्ल को ऊपर लेकर के गया है वो डॉक्टर जिसने सीमन किया है, या नस्ल का जो है उसने बेड़ा गर्क किया है? ये देखें, इतनी अच्छी गऊ अगर शुद्ध नस्ल का कोई बछड़ा होता और किसी को अगर देना भी पड़ता तो वो कहीं न कहीं जाकर के। इसमें एक बड़ा कारण और होता है जी, कई बार जैसे गाय मानती नहीं है सर सीमन को, और आसपास जो गौशालाएं हैं अपने हरियाणा में तो वहाँ सब जगह हरियाणा नस्ल के बछड़े मिलते हैं सर, वो तो सब लोग उन्हीं से गाभिन करवाते हैं। आखिरकार फिर वो गौशाला में जाके गाय को गाभिन करवा देते हैं, वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। और एक बड़ा कारण सर इसमें ये भी है कि गायों से किसानों का जो लाभ है ना सर वो नहीं होता है, तो वो इस पे इतना समय नहीं देना दे पाते हैं सर। अगर वास्तव में इनसे बड़ा लाभ किसानों को मिले, बड़ा लाभ भी मैं नहीं कहूंगा, अगर ठीक ठाक सा भी काम चलाओ लाभ अगर मिले ना, तो बिल्कुल कोशिश करें, क्योंकि सर और कामों के लिए भी आदमी कोशिश करता है। अच्छे काम जितने भी हैं आदमी अपने जीवन में जो भी नया करना चाहता है, फिर भी डॉक्टर की कुछ तो नैतिकता बनती है कि वो सीमन रख करके गया तो कौन सा सीमन रख करके गया है? सर अभी मैं आपको कह रहा था, डॉक्टर चाहे तो मात्र 300-400 रुपए उनको आमदनी के लिए उन्होंने एक बछड़े के भविष्य को पूरा नार्किक कर दिया।